मेरे पीछे बिहार का दूसरा रेल सुरंग। पहाड़ को तोड़ के बनने वाला ये बिहार का पहला रेल सुरंग है। 2019 में शुरू हुआ था और 2022 में फाइनली कंप्लीट हो चुका है। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। सो गाइज, स्वागत है आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में। सो गाइज, इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ बिहार का दूसरा रेल सुरंग, जो कि पूरी तरीके से बन के तैयार हो चुका है। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज, तो फाइनली पहुंच चुके हैं बिहार का दूसरा रेल सुरंग, जो कि देख सकते हैं मेरे पीछे बिहार का दूसरा रेल सुरंग। बिहार के मुंगेर जिले के जमालपुर में स्थित है ये सुरंग। जमालपुर और रतनपुर स्टेशन के बीच में बना ये नया सुरंग। चलते हैं सुरंग के अंदर और फिर हम आप लोगों को पूरा सुरंग दिखाते हैं कि कितना काम हुआ और कितना काम बचा हुआ, सभी कुछ आप लोगों को इसी वीडियो में दिखाने वाले हैं। सो वीडियो में आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। सो चलते हैं सुरंग के अंदर। गाइस, तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि बिहार का पहला रेल सुरंग और दूसरा रेल सुरंग यहीं पर है, जो कि देख सकते हैं बिहार का पहला रेल सुरंग है और यह है बिहार का दूसरा रेल सुरंग। दोनों रेल सुरंग यही जगह पर है, जो कि देख सकते हैं 1861 में ये पहला रेल सुरंग यहां पे बनकर तैयार हुआ था और ये 2022 में फाइनल तैयार हो चुका है। इस रेल सुरंग को अंग्रेज बना के गए हुए थे और इस रेल सुरंग के हमारे इंडिया के लोग बनाए हैं। नए जो रेल सुरंग है उसके अंदर जाने से पहले आप लोगों को कुछ बातें बता देते हैं जो कि काफी अच्छा रहेगा। जैसे कि देख सकते हैं ये जो रेल सुरंग है, पहला रेल सुरंग है और ये नया जो बना है, इस रेल सुरंग का जो हाइट है वो थोड़ा सा छोटा है और इसका जो नया जो बना है इसका हाइट थोड़ा ज्यादा है। इसका देख सकते हैं ये पहाड़ के अंदर में ही है, यानी कि पहाड़ जैसे ही खत्म होता है वो सुरंग खत्म हो जाता है, लेकिन नहीं, ये पहाड़ के थोड़ा सा आगे बना हुआ है, जो कि देख सकते हैं 1856 में ये काम स्टार्ट हुआ था। इस सुरंग का जो कि पहला सुरंग है 1856 में स्टार्ट हुआ था और 1861 में फाइनली कंप्लीट हो चुका था और ये जो रेल सुरंग है 2019 में शुरू हुआ था और 2022 में फाइनली कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं इस सुरंग के अंदर और पूरा आप लोगों को सुरंग दिखाते हैं। गाइस, जो फाइनली सुरंग के अंदर आ चुके हैं, जो कि देख सकते हैं यही है सुरंग। ये सुरंग का लंबाई 341 मीटर है, चौड़ाई इसका 7 मीटर है और ऊंचाई इसका 6.10 मीटर है। गाइस, तो इस सुरंग का जो ट्रायल है वो कुछ दिन पहले ही किया गया था, जो कि ट्रायल पूरी तरीके से सफल रहा। 341 मीटर का ये रेल सुरंग को ट्रेन को क्रॉस करने में मात्र 11 सेकंड लगा। 100 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से गुजरेगी इस सुरंग से ट्रेन। गाइस, तो आप लोगों को बता दें कि ये रेल सुरंग बाकी सुरंग से बिल्कुल अलग होने वाला है। यहाँ पे जो है लाइटिंग का काफी खास व्यवस्था किया जाएगा और जो देख सकते हैं ये जो है चारों तरफ से इसमें काफी अच्छा सा पेंटिंग किया जाएगा, जो कि इसमें जिला के काफी ऐतिहासिक जगहों को दर्शाया जाएगा। हालांकि स्टार्टिंग में आप लोगों को दिखा देते हैं, काम चल रहा है। जब भी आप जैसे ही सुरंग के अंदर इन करते हैं, देख सकते हैं इस तरह से कुछ वेलकम इसके ऊपर काम चल रहा है। देख सकते हैं कुछ इस तरह से आप लोगों को सुरंग के अंदर वेलकम किया जाएगा और काफ़ी ऐतिहासिक यहाँ का जो है काफ़ी अच्छे अच्छे पेंटिंग के द्वारा, यानी इस सुरंग का जो है काम अभी चल रहा है और काफ़ी आने वाले समय में जब ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा तब आप लोगों इस सुरंग से जो है जब भी आप इस सुरंग से क्रॉस कीजिएगा या देख सकते हैं पैदल चलने के लिए इस साइड से बनाया गया है और ट्रेन चलने के लिए इस साइड से, अगर इस सुरंग से आप लोग पैदल भी चलते तो काफ़ी अच्छा लगेगा आप लोगों को इस सुरंग से क्रॉस करने, क्योंकि सुरंग तो है ही है लेकिन एक काफी आकर्षक बनाया जाएगा कि लोग इस सुरंग से जब भी क्रॉस करें तो एक देखने लायक दृश्य हो। गाइस, तो इस साइड से सुरंग के अंदर से इन किए थे और इस साइड से बाहर जा रहे हैं, जो कि देख सकते हैं यही है सुरंग से बाहर आ चुके हैं और दोनों साइड से सुरंग का जो बनने का आकार है बिल्कुल एक जैसा है, जो कि देख सकते हैं उस साइड से भी आप लोग अगर सुरंग को देखते हैं और इस साइड से भी देखते हैं तो दोनों साइड से बनने का जो आकार है वो बिल्कुल एक जैसा है। ये सुरंग का काम का निर्माण शुरू हुआ था 2019 को और 2022 में फाइनल हो चुका है। 2019-22 दिसंबर को यहाँ पे फर्स्ट ब्लास्ट हुआ था, जो कि हम आप लोगों को ब्लास्ट का भी थोड़ा सा क्लिप दिखाते हैं। Thank you.
गाइस, तो जैसे कि आप लोगों को बता दे कि सुरंग के पास आप लोगों को जिला के काफी ऐतिहासिक स्थानों को दर्शाया जाएगा जो कि देख सकते हैं। जैसे ही सुरंग से आप लोग पास कीजिएगा और पाटन के साइड आप लोग आते हैं तो आप लोग देख सकते हैं एक दीवार है जिसपे आप लोगों को जिला के काफी ऐतिहासिक स्थानों को दर्शाया गया है जो कि देख सकते हैं। यहाँ सबसे शुरुआत में है चंडी का स्थान, उसके बाद है मुंगेर का किला, उसके बाद है कस्टनी घाट, यानी एक एक करके जिला के काफी ऐतिहासिक स्थानों को दर्शाया गया है। हालांकि देख सकते हैं बीच में साइड में खाली है, लेकिन यहाँ पे भी खाली नहीं रहने वाला है, किसी ना किसी जगह का तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन एक एक करके देख सकते हैं काफी अच्छा लग रहा है गाइस। ये आप लोगों को बता दे फिर से कि जैसे ही आप लोग सुरंग के पास कीजिएगा तो ये पाटन के साइड आप लोगों को एक दीवार गया हुआ है, उस पे ये आप लोगों को दिख जाएगा, जिससे कि आप लोग इस रास्ते से जैसे ही क्रॉस करते हैं जिला के काफी ऐतिहासिक स्थानों को देख सकते हैं। जिनको नहीं जानकारी होगा वो भी इस रास्ते से जब भी क्रॉस करेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि इस जिले में ऐतिहासिक जगह कौन कौन सा है। आप लोगों को एक एक करके सभी जगह को दिखाते हैं कि कितना खूबसूरत पेंटिंग द्वारा दर्शाया गया है जिला का ऐतिहासिक स्थानों। चलिए शुरुआत करते हैं माता रानी के दरबार से, चंडी का स्थान से। गाइस, तो देख सकते हैं मेरे पीछे हम मुंगेर का सबसे पवित्र घाट कस्टनी घाट जो कि देख सकते हैं पेंटिंग द्वारा कितना खूबसूरत दर्शाया गया है। गाइस देख सकते हैं आप लोग, बस देख के नाम अगर नहीं भी पढ़ते हैं तो आप लोगों को देखने से ही पता चल जाएगा कि ये कस्टनी घाट है, क्योंकि देख सकते हैं एकदम रियल जैसा बना हुआ है, काफी गजब का किया गया पेंटिंग। उसके बाद है मुंगेर का श्री कृष्ण सेतु गंगा पुल जो कि देख सकते हैं। हालांकि ये ब्रिज शुरू हो चुका है, ऊपर वाला ब्रिज शुरू नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये बन चुका है और देखने से आप लोगों को देख सकते हैं काफी खूबसूरत बनाया गया है। नीचे भी देख सकते हैं काफी हरा भरा, और ये है पानी क्रॉसिंग के लिए बनाया गया ये जो लाइनिंग है, जो देख सकते हैं ये पूरा जो लाइन है, इस लाइन में हर एक जगह का दर्शाया जाएगा। एक धीरे धीरे बन रहा है, काम प्रोसेस में लगा हुआ है और इंजीनियर साहब बोले हैं कि थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन बनेगा जरूर, और काफी अच्छा लगेगा जब ये पूरा पूरी तरीके से फाइनल हो जाएगा। संभावना नहीं, उम्मीद नहीं, सब कुछ है कि जनवरी तक ये काम फाइनल हो जाएगा। गाइस, तो देख सकते हैं आप लोगों को लाइव दिखा रहे हैं कि सुरंग के अंदर अभी रंगाई का काम और लाइटिंग का काम चल रहा है। थोड़ा देर पहले सभी मिस्त्री लोग खाना खाने के लिए गए हुए थे, लेकिन देख सकते हैं यहाँ पे हालांकि थोड़ा सा अंधेरा रहता है, यहाँ पे लाइटिंग सिस्टम करके और सभी जगह पे लगाया जा रहा है। जो भी काम बचा होगा वो जल्दी पूरा हो जाएगा, ताकि काफ़ी तेज़ी से सुरंग के अंदर जो है काम चल रहा है। देख सकते हैं अभी फिलहाल अगर आप लोग सुरंग के अंदर आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अंधेरा आप लोगों को नज़र आएगा और काफ़ी ठंडा ठंडा हवा भी अंदर आता है, तो बता नहीं सकते हैं, तो अंदर काफ़ी ज़्यादा ठंड लगेगा। अगर गर्मी के दिन आते हैं तो काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि काफ़ी कूल, काफ़ी गजब का हवा आएगा अंदर में, और ठंडा में तो भैया मज़ा आ जाएगा। ऐसे तो देख सकते हैं इधर सुरंग के अंदर रंगाई का काम चल रहा है। अच्छा अंकल, कब तक फाइनल हो जाएगा रंगाई का काम? इस जनवरी 28 तक रंगाई का काम फाइनल हो जाएगा। अच्छा, इसमें यही कलर रहने वाला है या और भी कलर इसपे? इसको यही कलर है। कलर कौन सा भैया? टैप ग्रे। तो गाइस, तो आप लोगों को जो कलर दिखा है सुरंग के अंदर वही कलर रहने वाला है, क्योंकि भैया लोग से बात करने के बाद पता चला है कि सुरंग के अंदर जो है वही कलर रहेंगे। हालांकि इसके नीचे का जो है इस सबका कलर बचा हुआ है और इधर बचा हुआ है, और नीचे जो पटरी है उस लाइन का जो है कलर, उसका भी कलर होने वाला है। यानी कि 28 तक लोगों का कहना है और मुझे भी लग रहा है, और आप लोग भी मान लीजिए इस चीज़ को, ये 28 तक ये फाइनल हो जाएगा, क्योंकि काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है गाइस, क्योंकि काफ़ी हद तक, यानी कि आप बता सकते हैं आप लोगों को कि 100 में से 90% काम हो चुका है। मान लेते हैं कि अगर लाइटिंग का काम, तो भैया जब पाइप चल गया है तो लाइट सेट करने में कितना वक्त लगेगा जो कि देख सकते हैं। तो बस समझ लीजिए कि ये पूरी तरीके से काम ओके फाइनल हो चुका है। बहुत ही जल्दी बिहार वासियों के लिए बहुत ही बड़ा तोहफा आप लोगों के लिए मिलने वाला है। जब ये सुरंग चालू हो जाएगा तो पर्सनली मुंगेर नहीं, बिहार के हर एक कोने के लोगों के लिए काफी राहत हो जाएगा और काफी खुशी की बात होगी। आप दिखाते हैं कि सुरंग से कैसे ट्रेन क्रॉस करती है। देख सकते हैं गाइस, इसी तरह से इस सुरंग से भी ट्रेन इसी तरह से क्रॉस करेगा, लेकिन स्पीड का मात्रा बहुत ही ज़्यादा होगा। इस रेल सुरंग में जो भी ट्रेन क्रॉस करती है वो धीमी गति से चलती है, लेकिन इस सुरंग से जो भी ट्रेन पास करेगी हाई स्पीड पावर में क्रॉस करेगी, क्योंकि ये नया बना है और नए तरीक़े से बना है, और ये थोड़ा काफ़ी पुराना है इसलिए ये पुराने तरीके से बना है। यहाँ पर जो भी ट्रेन अभी क्रॉस कर रही है, इस जगह तक आते ही वो ट्रेन का रफ्तार जो धीमी हो जाती है,
लेकिन इस सुरंग में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो भी स्पीड हाई स्पीड से, इसमें से ट्रायल भी हो चुका है और ट्रायल होने के बाद ट्रायल पूरी तरीके से सफल रहा, हाई स्पीड में इस सुरंग के अंदर से ट्रेन क्रॉस किया है। आप लोगों को बता दें फिर से कि बिहार का पहला और दूसरा ये रेल सुरंग है जो कि पहाड़ को तोड़ के रेल सुरंग को बनाया गया है। तो पहला भी यहीं पर है और दूसरा भी यहीं पर है, देख सकते हैं भैया, इसी पहाड़ को तोड़ के और इस सुरंग को बनाया गया। बिहार में सभी चीज संभव है। इसी पहाड़ को तोड़ के फिर ये नया सुरंग का निर्माण किया गया, हालांकि क्योंकि इससे पहले जो सुरंग बना हुआ था वो अंग्रेज बना के गए थे काफी दिन पहले, लेकिन ये तो हाल फिलहाल बना है। तो भैया पहाड़ को तोड़ के बनने वाला ये बिहार का पहला रेल सुरंग है, जिस पहाड़ को तोड़ के इस सुरंग का निर्माण किया गया है। गाइस चलते हैं पहाड़ के ऊपर और आप लोगों को थोड़ा सा पहाड़ भी घुमाते हैं, तब आप लोगों को अंदाजा मिलेगा कि कितना बड़ा पहाड़ को तोड़ के इस सुरंग का निर्माण किया गया और कितना ज्यादा मेहनत है गाइस, बता नहीं सकते हैं। गाइस तो सुरंग के आगे और पीछे से तो आप लोगों को दिखा दिए, अभी हम आ चुके सुरंग के ऊपर जो कि देख सकते हैं। अभी हम सुरंग के ऊपर, यहाँ गाइस अभी हमें सुरंग के ऊपर जो नया सुरंग का निर्माण हुआ है अभी हम उसके ऊपर आ चुके हैं जो कि देख सकते हैं। सुरंग के ऊपर से आप लोगों को दिखाने के लिए आए हैं कि किस तरह से सुरंग का निर्माण हुआ है, जो देख सकते हैं गाइस, इस तरह का कुछ पहाड़ था इसे तोड़ के, और उधर भी देख सकते हैं अभी भी काम चल ही रहा है। गाइस बहुत जल्दी फाइनल हो जाएगा बिहार का ये पहला इतना खूबसूरत और काफी अच्छा सुरंग बना है, जो कि इतना व्यवस्था इस सुरंग में किया गया। हालांकि जब ये पूरा हो जाएगा तब तो और भी कुछ इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा, फिलहाल भी अभी भी आप लोगों को काफी कुछ देखने को मिल जाएगा। जब ये पहले सिंगल लाइन था तो काफी प्रॉब्लम होता था, लेकिन जब ये डबल लाइन जब गाइस चालू हो जाएगा तो काफी नए नए ट्रेनों का आना जाना इस रूट से चालू हो जाएगा। हालांकि जब ये चालू हो जाएगा तब आप लोगों को ट्रेन का अपडेट मिल जाएगा कि कौन कौन सा नया नया ट्रेन इस रूट से चालू हो जाएगा, लेकिन इतना आप लोगों को जरूर बता देते हैं कि काफी नए नए एक्सप्रेस, काफी नए नए ट्रेनों का इस रूट से आना जाना चालू हो जाएगा, जिसका आप लोगों को उम्मीद है वो बेसब्री से बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। गाइस तो आप लोगों को सुरंग ऊपर नीचे चारों तरफ से आप लोगों को दिखा दिए, सो वीडियो को गाइस यहीं पर एंड करता है। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। इस ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए बाबा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो प्लीज फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिएगा। सो बाय।